कैसे हो प्यारे साथियों। नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 26 तारीख को राजस्थान में एक सबसे बड़ी परीक्षा दोस्तों होने वाली है, उसका नाम है रीट। ये परीक्षा दोस्तों, इसमें 16.5 लाख जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और राजस्थान सरकार की कोशिश है कि ये परीक्षा जो है, मतलब इस परीक्षा में कोई भी गड़बड़ ना हो, परीक्षा सफल हो और स्टूडेंटों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, कुछ इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं। परीक्षा लीक ना हो, परीक्षा में कोई गड़बड़ ना हो, इसको लेकर स्टूडेंट की परेशानियों को दूर किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। दोस्तों, पहला तो ये है कि रोडवेज में जो बसें चलती हैं उसमें निःशुल्क यात्रा के साथ पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था कर अभ्यर्थियों की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, सरकारी बसों के साथ साथ निजी बसों में भी फ्री व्यवस्था जो है रहेगी, सरकार ने दी है। और इसमें कोई भी किसी भी राज्य का स्टूडेंट जो पेपर देने आ रहा है यात्रा कर सकता है, फ्री में एग्जाम सेंटर तक जा सकता है। दूसरा, नकल, पेपर लीक अथवा परीक्षा से जुड़ी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल सरकारी कर्मचारी को सीधे जो है बर्खास्त किया जाएगा। ऐसी गतिविधि में शामिल निजी संस्था के कार्मिकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ संस्थान की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट, परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम पेपर के परीक्षार्थियों के पास पहुंचने तक के प्रोसेस में शामिल कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। काफ़ी अच्छा निर्णय है दोस्तों। नेक्स्ट है, एग्जाम पेपर के प्रिंटिंग प्रेस से स्टूडेंट तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। जब जो एग्जाम पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस से स्टूडेंट तक पहुंचेगा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। सभी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में अपना मास्क नहीं ले जा सकेंगे, यानी कि आपको मास्क जो है वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे, आप मास्क अपना मास्क नहीं ले जा पाएंगे। पेपर को लेकर गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने वाले संदिग्धों पर इंटेलिजेंस द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है, ज़रूरत महसूस होने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकेगा। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों को आवागमन में असुविधा ना हो इसीलिए बड़े शहरों में अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा कदम है दोस्तों। नेक्स्ट है, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जब्ता तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, महिला, दिव्यांग एवं ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों की संवेदनशीलता के साथ मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। प्रदेश सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए हर कदम उठा रही है, सभी से निवेदन है कोई अफवाह ना फैलाए, बिना आधिकारिक सूचना के किसी भी मैसेज पर भरोसा ना करें। यदि कोई आपको पेपर में नकल करवाने, पेपर पास करवाने या सिलेक्शन करवाने का झांसा दें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पूर्व ही परीक्षा केंद्र वाले शहर में पहुँचने का प्रयास करें। परीक्षा केंद्र तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, मतलब मोबाइल ना ले जाएँ। और आमजन से अपील है कि सभी स्टूडेंटों का सहृदय से सहयोग करें, परीक्षा के आयोजन को सफल बनाने में सहायक एक बने। दोस्तों, काफ़ी अच्छे जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं इस परीक्षा के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप जा रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए, इसमें आपको मास्क अपना नहीं ले जा सकोगे एग्जाम सेंटर के अंदर, वहाँ पर आपको मास्क जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ की हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को